लिखता नहीं रवि ने लिख दिया वो देख बहुत लिख दिया उसने लिख दिया नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी लाइव जुड़े हुए हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं सोलन सब्जी मंडी की। सोलन सब्जी मंडी में बड़ी मात्रा में प्याज की आपूर्ति हुई है और इसी का ही परिणाम है कि प्याज के रेट में आज गिरावट देखने को मिली है। कल की तुलना में 4 रुपए प्याज आज सस्ता सोलन सब्जी मंडी में हुआ है। सोलन सब्जी मंडी में आज प्याज 40 रुपए के हिसाब से बिक रहा है। हालांकि कल नासिक का प्याज मंडी में 47 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भी बिक रहा था, लेकिन वो प्याज बिक चुका है। लेकिन आज जो प्याज है वो राजस्थान के अलवर जिला का यहां पर प्याज पहुंचा हुआ है और अलवर का प्याज मंडी में आज 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। कल प्याज के दाम 44 रुपए प्रति किलो थे, लेकिन आज उसके भाव में गिरावट देखने को मिली है। जो 44 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज बिक रहा था वो भी आज 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में प्याज प्याज बिक रहा है। तस्वीरें आप मंडी की इस वक्त देख रहे हैं, बड़ी मात्रा में प्याज की आपूर्ति सोलन सब्जी मंडी में हो रही है और आप देख रहे हैं कि आवाज भी 40 रुपए की इस वक्त लग रही है। लगातार आप तस्वीरें हम आपको सोलन सब्जी मंडी की दिखा रहे हैं और ये ट्रक आप देख रहे हैं, ऊना से आलू का यह ट्रक मंडी में आज पहुंचा हुआ है और आलू के रेट में भी थोड़ी गिरावट आज देखने को मिली है। कल जहां 12 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आलू सोलन मंडी में बिक रहा था, आज 11 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आलू मंडी में बिक रहा है। तो वजह यह है कि ऊना से आलू की आपूर्ति आज पहुंची हुई है। क्वालिटी आप देख सकते हैं, ऊना का आलू शानदार क्वालिटी का आलू है और जबरदस्त डिमांड इस वक्त ऊना के आलू की चली हुई है और यही वजह है कि ऊना से आलू की लगातार आपूर्ति जारी है। एक समय ऊना का आलू यहाँ पर 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से आलू की आपूर्ति में बढ़ोतरी देखने को मिली है और डिमांड भी हालांकि बड़ी है लेकिन आपूर्ति ज़्यादा बड़ी है, तो उस वजह से आलू की कीमतों में थोड़ी गिरावट है। 11 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आलू बिक रहा है, कल 12 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आलू बिक रहा था। वजह थी कि पिछले एक दो दिनों से आलू की आपूर्ति कम हुई थी, तो उसकी वजह से आलू की डिमांड बहुत ज़्यादा थी और उतनी ज़्यादा पूर्ति नहीं थी, तो उसके कारण आलू के रेट बड़े होते। 12 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आलू बिक रहा था, लेकिन आज आलू के भाव में भी गिरावट देखने को मिली है। सोलन सब्जी मंडी की इस वक्त तस्वीर है, सोलन सब्जी मंडी की तस्वीर है आप इस वक्त देख रहे हैं और आलू मंडी में आज 11 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है, जबकि प्याज 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज बिक रहा है। सोलन सब्जी मंडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्याज बड़ी मात्रा में अलवर से मंडी में पहुंच रहा है और ऊना का आलू आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि आलू के यहां पर बड़ी मात्रा में आलू की आपूर्ति हुई है और ट्रक भी यहां पर आलू का पहुंचा हुआ है, तो आलू के रेट में आज गिरावट देखने को मिली है कल की तुलना में और आने वाले दिनों में भी इसी तरह के भाव बने रहेंगे, इस तरह की संभावना व्यक्त की जा रही है। लेकिन प्याज के रेट में उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिल रहा है, 2-3 दिनों तक प्याज की कीमतें लगातार बढ़ती रही, लेकिन अब आज प्याज के रेट में 4 रुपए की गिरावट आज देखने को मिली है। मंडी में आज प्याज 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। राजस्थान के अलवर से प्याज की आपूर्ति सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त ही हो रही है। सोलन सब्जी मंडी की तस्वीरें और 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज सोलन सब्जी मंडी में आज बिक रहा है। सोलन सब्जी मंडी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बंटी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो बंटी जी से भी जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार बंटी जी, आज प्याज की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। हाँ जी, पहले 44 था तो आज वो जी ये 40 रुपए कर दिया ये वाला। अच्छा, हाँ जी, क्या वजह है? तो इसमें मीडियम प्याज है थोड़ा। अच्छा, और मोटा प्याज हमारे पास बिक रहा है 44 रुपए किलो। ठीक है, 44-45 है मोटे प्याज का रेट और जो मीडियम प्याज है उसका 40 रुपए किलो है। और आलू वो जी हमारे पास आज 11 रुपए किलो बिक रहा है सर। 11 10 10 11 ये अपना ऊना का आलू। तो पंजाब का ही आ रहा है, मतलब पंजाब के माध्यम से ऊना का आलू 11 रुपए ऊना का।
रणजीत सिंह जी, आलू आज 11 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त बिक रहा है और ऊना का आलू आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। ऊना से आलू की आपूर्ति हो रही है। हिमाचल प्रदेश में ऊना के आलू का एक बड़ा उत्पादन होता है, बड़े पैमाने पर वहां पर उत्पादन किया जाता है और पिछले कुछ वर्षों में ऊना आलू के उत्पादन में प्रदेश का अग्रणी जिला बनकर उभरा है और यही वजह है कि ऊना के आलू की डिमांड भी अधिक है तो दाम में भी थोड़ी अभी हम कह सकते हैं कि 10 रुपए से ऊपर ऊना का आलू मंडियों में बिक रहा है। 11 रुपए का भाव इस वक्त ऊना के आलू का चला हुआ है जबकि थोड़े दिन पहले 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ऊना का आलू मंडी में बिक रहा था। एक ट्रक ऊना का आलू का यहाँ पर आज पहुंचा हुआ है और इसके कारण ही आलू के रेट में आज 1 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइव स्ट्रीम को शेयर करें, आप हमारी यही प्रार्थना रहेगी ताकि किसान भाइयों तक यह खबर जाए कि आलू के क्या इस वक्त भाव चले हुए हैं। तो सोलन सब्जी मंडी में आप तस्वीरें देख सकते हैं कि आलू बड़ी मात्रा में आज आलू की आपूर्ति हुई है। हालांकि कल आलू मंडी में नहीं पहुंचा था तो इसके कारण आलू 12 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था लेकिन आज मंडी में इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं कि आलू सोलन सब्जी मंडी में 11 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। क्वालिटी आपके सामने है किस तरह की क्वालिटी का आलू यहाँ पर आया है और ऊना से आलू की आपूर्ति मंडी में इस वक्त हो रही है। सोलन मंडी में ऊना से आलू की आपूर्ति हो रही है और गोभी आप देख रहे हैं 8 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज आलू की बिक्री हुई है। सोलन सब्जी मंडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं और प्याज के रेट में आज गिरावट देखने को मिली है। 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में यह प्याज बिका है कल। और टमाटर की बात करें तो लोकल टमाटर आज 1000 रुपए प्रति क्रेट के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में बिका है 1000 रुपए। नासिक का टमाटर भी 1000 है और लोकल टमाटर भी आज 1000 है। भोजनगर से सोलन सब्जी मंडी में आज आलू पहुंचा हुआ था और आलू के टमाटर के रेट में जिस तरह की क्वालिटी थी आज हाथों हाथ वो टमाटर बिका, एक पिका पहुंची थी और कुछ ही देरी में वो टमाटर बिक गया। और यदि हम मटर की बात करें तो लोकल मटर 55 से 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है जबकि देसी मटर मंडी में आज 35 से 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त मटर बिक रहा है। मटर में आज थोड़ी तेजी जरूर देखने को मिली है, इसमें मटर के भाव 120 रुपए तक मंडियों में पहुंच गए थे लेकिन अब धीरे धीरे गिरावट देखने को मिली है। इस वक्त आलू और प्याज आप देख रहे हैं पिछले कुछ। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का दिन सभी दर्शकों का शुभ हो, भगवान से हमारी यही कामना है, माता रानी से यही प्रार्थना है। सोलन सब्जी मंडी में आज प्याज की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। कल प्याज जहां 44 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा था आज 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में प्याज बिक रहा है। हालांकि नासिक का प्याज के दाम कल 47 रुपए प्रति किलो थे और उसके बावजूद भी नासिक के प्याज की डिमांड अधिक थी। जो नासिक का प्याज मंडी में पहुंचा था वो कल ही लॉट बिक गया था लेकिन आज राजस्थान अलवर जिला से प्याज की आपूर्ति सोलन सब्जी मंडी में हो रही है। पिछले काफी समय से अलवर से ही प्याज मंडियों में पहुंच रहा है लेकिन अलवर का प्याज इस वक्त महंगा है, डिमांड अधिक है। हालांकि प्याज महंगे दामों पर बिक रहा है, बाजार की बात करें तो बाजार में प्याज की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। 70 से 80 रुपए के बीच में प्याज के रेट बने हुए हैं। आज प्याज मंडी में 40 रुपए तो हो सकता है कि आज थोड़ी गिरावट देखने को मिले लेकिन 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज प्याज बिक रहा है। यदि आलू की बात करें तो ऊना से आलू की आपूर्ति सोलन सब्जी मंडी में हो रही है और मेरे पीछे आप जो बोरियां देख रहे हैं ये आलू की है, ऊना से आलू पहुंचा हुआ है। कल ऊना से आलू की आपूर्ति नहीं हुई थी तो कल 12 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आलू बिक रहा था, आज ट्रक पहुंचा हुआ है तो 11 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आलू सोलन सब्जी मंडी में बिका हुआ है। यदि हम दूसरी सब्जियों की भी बात कर लें तो मटर लोकल आज 55 से 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज बिका है। टमाटर में तेजी देखने को मिली, लोकल टमाटर भी 1000 रुपए प्रति क्रेट के हिसाब से बिका और नासिक का टमाटर भी 1000 रुपए प्रति क्रेट के हिसाब से आज बिका है। लोकल टमाटर की विशेषता ये थी कि अच्छी क्वालिटी का टमाटर था और खरीदार उसके लिए टूट पड़े खरीदने के लिए और यही वजह है कि नासिक से पहले लोकल टमाटर की बिक्री हुई और 1000 रुपए प्रति क्रेट के हिसाब से बिका। अदरक मंडी में आज 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है, मशरूम भी 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। मटर हमने आपको बताया कि लोकल 55 से 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है और देसी जो मटर है
वो 30 से 35 से 40 रुपए के बीच में बिक रहा है। गोभी 8 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है, बंद गोभी 6 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है, मूली भी 6 रुपए प्रति किलो के हिसाब से इस वक्त हिमाचल प्रदेश में सॉरी सोलन सब्जी मंडी में बिक रही है, गाजर 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मंडी में आज बिक रही है, शिमला मिर्च का 25 रुपए रेट है, प्याज भी 17 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मंडी में बिक रही है, बैंगन 18 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मंडी में बिक रहा है, भिंडी 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मंडी में आज बिक रही है, और जिमीकंद की बात करें तो 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है, लहसुन जो नासिक से पहुंचा हुआ 285 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है, सिरमौर का लहसुन जो लोकल लहसुन है 285 रुपए प्रति किलो तक सोलन सब्जी मंडी में आज बिक रहा है। तो कुल मिलाकर सब्जियों के भाव जो है, यदि हम सब्जियों के भाव की बात करें तो उनमें ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है, जिस तरह के कल भाव थे उसी तरह के हैं, लेकिन जरूर आज यदि बात करें तो गोभी में थोड़ी तेजी देखने को मिली है, क्योंकि गोभी 4 से 5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में बिक रही है, और प्याज के रेट में आज गिरावट देखने को मिली है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि प्याज की जबरदस्त डिमांड है, भले ही प्याज के भाव बढ़े हों लेकिन उसके बावजूद प्याज बड़ी मात्रा में प्याज की डिमांड है, प्याज की डिमांड में अभी तक कोई कमी सोलन सब्जी मंडी में नहीं आई है, और यही वजह है कि मंडियों में लगातार प्याज की आपूर्ति भी हो रही है, प्याज की खरीद भी हो रही है, और भले ही प्याज के रेट बढ़े हों लेकिन उपभोक्ता प्याज खरीदना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। सोलन सब्जी मंडी में आप देख रहे हैं लोकल टमाटर की इस वक्त लगातार आपूर्ति जारी है, लोकल टमाटर मंडी में आज पहुँचा है, और जो 201,000 रुपये प्रति क्रेट के हिसाब से यह टमाटर सोलन सब्जी मंडी में आज बिका है। हरी मिर्च आप देख रहे हैं 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हरी मिर्च सोलन सब्जी मंडी में आज बिकी है। सोलन सब्जी मंडी की यह तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, मंडी की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, और बड़ी मात्रा में सब्जियां मंडी में आज पहुंची हुई है, और रौनक मंडी में बहुत अधिक है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आज डबल मंडी लगी हुई है। और पाकिस्तान की हमें खबर आ गई है, मोहम्मद इब्राहिम हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हैं, जो बता रहे हैं प्याज 200 रुपए किलो और आलू 150 रुपए किलो वहां पर बिक रहा है, तो प्याज और गलगल आप तस्वीरों के माध्यम से देखें, बड़ी मात्रा में गलगल और अच्छी क्वालिटी का गलगल सोलन सब्जी मंडी में पहुंचा है। कैरेट 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में गलगल बिक रहा है। प्याज पाकिस्तान में 200 रुपए किलो और आलू 150 रुपए किलो है, लेकिन सोलन में 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज बिक रहा है, और आलू इस वक्त 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त बिक रहा है। सोलन सब्जी मंडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सोलन सब्जी मंडी की यह तस्वीर है, और सोलन सब्जी मंडी की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में आज के लिए बस इतना ही, देखते रहे पंजाब केसरी टीवी, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ सुबह सुबह के बुलेटिन में जुड़े हैं, तो उसके लिए हम आपके आभारी भी हैं, धन्यवादी भी हैं, और हमने कोशिश की कि आपको एक बार सब्जियों के रेट बता दें। एक बार फिर से आपको काका भाई बताएंगे कि आज सोलन सब्जी मंडी में क्या भाव रहे हैं। काका भाई, हमारे दर्शक फिर से जानना चाह रहे हैं कि सब्जी के आज क्या भाव रहे हैं। मटर जो है भैया 50 से 55 रुपए तक बिके पहाड़ी, और देसी मटर 35 रुपए किलो, टमाटर 1000 रुपए की रेट बिका जी, दोपहर का टमाटर, बंद गोभी 160 रुपए कट्टा बिका, फूल गोभी 200 से 220 रुपए का लिफाफा, गाजर जो है 25 से 28 रुपए के बीच में बिकी है, और प्याज 40 रुपए किलो, आलू 550 रुपए से शुरू हुआ था ऊना का आलू 11 रुपए किलो से, और अब 510 तक पहुँच गया डाउन हो गया। लहसन जो है, जो दिल्ली से लहसन आ रहे हैं 285 रुपए किलो बिक रहा है लहसन, और किन्नू 450 का क्रेट बिक रहा है, कीवी 550 बिक रही है, माल्टा 1400 रुपए का डब्बा बिक रहा है, और खजूर जो है 10 किलो की पैकिंग आ रही है और 720 रुपए की बिक रही है जी खजूर, और बीन जो है 19 रुपए किलो बिकी है जी, और अदरक 80 रुपए किलो नया, और पुराना अदरक 40 रुपए किलो बिका है जी, और मूलियाँ 6 रुपए किलो बिक रही हैं खुली, फूल गोभी में बहुत डाउन है आज जो है 200 से 220 रुपए, और पहाड़ी गोभी 150 रुपए कट्टे तक बिकी है बाद में। अच्छा, और अनार 1000 का डब्बा बिक रहा है, अनार में भी डाउन है, पपीता 30 रुपए किलो बिक रहा है, अमरूद 35 रुपए किलो बिक रहा है, सेब 80 रुपए किलो बिका है गोल्डन, और शिमला मिर्च शिमला मिर्चें जो है 23 रुपए किलो बिकी है जी,
पहाड़ी जो है 16 रुपए किलो बिकी है। ये लोकल मटर ये हुशियारपुर का मटर है 85 रुपए किलो। हमारा मटर 85 मटर होता है लंबा, वो 50 से 55 रुपए आज बिकते हैं। बैंगन बैंगन 15 रुपए किलो बिक रहे हैं जी। करेला करेला 30 रुपए किलो बिक रहा है जी। भिंडी भिंडी 50 रुपए जी। गाजर गाजर 27 रुपए जी। और बहुत बहुत धन्यवाद काका भाई, पंजाब केसरी टीवी देखने वाले सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे को सुन रहे हैं लोग। जय श्री राम। और काका भाई ने एक बार फिर से आपको सब्जियों के भाव बताया कि किस भाव सोलन सब्जी मंडी में आज सब्जियां रही है। सब्जी में आज कोई ज्यादा तेजी देखने को सिर्फ टमाटर में मिली। जो लोकल टमाटर सोलन सब्जी मंडी में आज पहुंचा था वो 1000 रुपए प्रति क्रेट के हिसाब से टमाटर बिका है। एक बार हम उस टमाटर की आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, लोकल टमाटर है और हरियाणा के किसान भी यहाँ पर पहुंचे हुए। तो बाबा जी गोभी आज क्या रेट रहा? आज गोभी बिकी है 7-8 रुपए किलो। 7-8 रुपए किलो। हाँ जी। तो हरियाणा से आ रही सारी गोभी? ये जमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से आ रही जी। अच्छा जी। हाँ जी। तो कितनी गोभी लेकर आया था? लाहौर पड़ता है जी हमारा कस्बा जो है। अच्छा जी। तो गोभी 7-8 रुपए। कितनी गोभी लेकर आया? आज बिकी है वैसे, मतलब आज तो डबल मंडी लगी थी तो आज। हाँ जी आज बिकी है वैसे, इतनी गोभी बिकती नहीं है जी। चलो बहुत बहुत ऊपर से गाहक कम आ रहे भाव जी। ठीक है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, हरियाणा से भी यहाँ पर किसान गोभी लेकर पहुंचे हुए हैं। आज संतुष्ट है कि गोभी बिकी है, 7 से 8 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोभी बिकी है। टमाटर लोकल में आज तेजी देखने को मिली है, 1000 रुपए प्रति क्रेट के हिसाब से लोकल टमाटर बिका है। नासिक के टमाटर को भी टक्कर लोकल टमाटर दे रहा है, वो भी 1000 रुपए प्रति क्रेट के हिसाब से बिका है। मटर पहले लोकल 55 से 60 था, अब 50 से 55 रुपए प्रति किलो के बीच में आज बिका है। तो कारण नहीं होता कि जिस तरह की क्वालिटी के उस तरह के भाव रहते हैं। बंद गोभी में गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन मूल्य गाजर आज भी 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज बिकी है। प्याज में गिरावट है, 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज बिक रहा है और आलू 11 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा है। अदरक आज सोलन सब्जी मंडी में 85 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिका है। और यदि हम बात करें शिमला मिर्च की, जो जिनके दाम लगातार बढ़ रहे थे पिछले दिनों, अब 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकी है, जबकि प्रास बीन इस वक्त 17 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकी है। तो सोलन सब्जी मंडी में आज के लिए बस इतना ही। आवाजें आप देख सकते हैं कि किस तरह के भाव यहाँ पर बताए जा रहे हैं, जबरदस्त रौनक। और सोलन सब्जी मंडी की रौनक इस वक्त आपको, बहुत बहुत धन्यवाद जी।